रोहित अपने परिवार के साथ अलीपुर सिटी में रहा करता था। उसके परिवार में उसका बेटा अमन और पत्नी सीता थे। रोहित और अमन दोनों ही फेमस एक्टर विजय कुमार के बहुत बड़े फैन थे। एक दिन अमन और रोहित विजय कुमार की आने वाली फिल्म की खुशी में दोनों नाच रहे थे, क्योंकि वहां विजय कुमार भी आने वाला था। अमन बोलता है, पापा पापा अब तो मैं जल्दी अपने हीरो को देखूंगा। वो तेरा हीरो नहीं है, वो मेरा हीरो है। कल तो हीरो को देखने जाएंगे, कल तो हीरो को देखने जाएंगे। इतने में वहाँ सीता आ जाती है और कहती है, दोनों बाप बेटे एक ही हीरो के लिए पागल हैं। अगर तुमने विजय कुमार को कुछ बोला ना तो हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। हाँ, जैसे वह हीरो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा होगा। सीता ऐसा बोलकर चली जाती है। अगले दिन दोनों मूवी देखने जाते हैं और मूवी के बाद विजय कुमार अपनी कार से मूवी हॉल के बाहर आता है। सभी लोग विजय कुमार से मिलने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन सभी को रोक दिया जाता है। उसके बाद विजय कुमार कई लोगों के साथ सेल्फी लेता है। रोहित भी अपने फोन को निकालकर आवाज दे रहा होता है, विजय सर एक सेल्फी, सर सर बस एक सेल्फी, विजय कुमार सर। पापा वो नहीं सुन रहे हैं। रोहित और अमन दोनों ही उदास मन से वापस घर चले आते हैं। घर पर सीता कहती है, क्यों दोनों मिलाए हीरो से? साथ में बैठाकर तुम्हारे हीरो ने लंच किया होगा ना तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज वो बहुत बिजी था, वरना वो अपने फैंस को इग्नोर नहीं करता है। हाँ मम्मी, देखना एक दिन विजय कुमार हमारे घर आकर डिनर करेंगे। अभी तो तुम दोनों डिनर करो। तीनों बैठकर डिनर करते हैं। अगले दिन रोहित अपने ऑफिस जाता है। रोहित एक आरटीओ दफ्तर में काम करता था। वो एक ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिसर था। रोहित अपने टेबल पर बैठा था और तभी उसकी कल की उदासी एक मिनट में खत्म हो जाती है और रोहित खुश होते हुए कहता है, अरे ये क्या, विजय कुमार को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए? मेरे हीरो का ड्राइविंग लाइसेंस एक दिन में मिलना चाहिए। इसी बहाने मैं विजय कुमार के साथ एक सेल्फी भी ले लूंगा। रोहित विजय कुमार का प्रोफाइल देखने लगता है और जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर देता है और फोन करके अमन को बुलवाता है ताकि जब विजय कुमार आरटीओ ऑफिस आए तब वो दोनों ही उनके साथ सेल्फी ले सके। अमन खुश होते हुए कहता है, सच्ची पापा आपके ऑफिस में आज विजय कुमार आने वाले हैं, यिप्पी आज तो सेल्फी लेकर रहेंगे, मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ आपके ऑफिस। रोहित विजय कुमार के सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर देता है और ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए विजय कुमार को बुलाने के लिए कॉल करवा देता है। कुछ ही देर में वहाँ अमन भी आ जाता है। दोनों ही बहुत खुश थे कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए विजय कुमार को आना है। अब दोनों ही विजय कुमार का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर हो जाती है लेकिन विजय कुमार नहीं आता। दोनों उदास मन से घर जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी विजय कुमार एक लंबी सी गाड़ी में आता है। अमन बोलता है, पापा पापा विजय कुमार आ गए। दोनों विजय कुमार को देखकर बहुत खुश होते हैं और रोहित उनसे हाथ मिलाने जा ही रहा होता है कि तभी विजय कुमार बोलता है, एक मामूली सी ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिसर होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया। सर लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको यहाँ कर सिग्नेचर तो करने ही पड़ेंगे ना, यही तो रूल है। सुन मैं जानता हूँ तुमने मुझे इसलिए बुलाया है ताकि तुम पूरी सिटी में बता सको कि तुम्हारे कहने पर विजय कुमार ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस आया। ये सब होता देखकर अमन बहुत डर जाता है और अपने पापा के पीछे छुप जाता है। तभी रोहित कहता है, सर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, लेकिन मैं और बेटा दोनों आपके फैन हैं, तो सोचा कि डॉक्यूमेंट पूरा होने के बाद आपके साथ एक सेल्फी ले लेंगे। मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। अपना मतलब पूरा करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। जी नहीं सर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको यहाँ आकर ही सिग्नेचर करने होंगे, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। आप तो खुद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लेकर मेरे घर आओगे। जाते जाते विजय कुमार अमन से कहता है, मेरा लाइफ में कुछ भी करना लेकिन अपने पापा जैसे मत बनना। ऐसा कहकर विजय कुमार वहां से चला जाता है। उसके बाद रोहित और अमन अपने घर चले जाते हैं और जो कुछ हुआ वो सब सीता को बताते हैं। अमन उदास होकर अपने रूम में चला जाता है। तब रोहित उसके पास जाता है, क्या हुआ बेटा अमन? पापा मैं बड़ा होकर आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे हीरो हैं, विजय कुमार मेरा हीरो नहीं है।
तुम चिंता मत करो बेटा, विजय कुमार को जितना बड़ा हीरो होने का घमंड है ना, अब एक मामूली सा फैन उसको उसकी औकात बताएगा। अब तुम्हारे हीरो और मेरे हीरो के बीच देखते हैं कौन जीतता है। ऐसा कहकर रोहित अगले ही दिन ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस जाकर विजय कुमार का फॉर्म रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि अगर विजय कुमार को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो यहाँ आकर टेस्ट देना होगा आप लोगों की तरह। अब ये बात पूरी सिटी में फैल जाती है कि विजय कुमार को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। कई लोग रोहित पर गुस्सा भी करते हैं कि उसने क्यों विजय कुमार का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। कई लोग रोहित के घर पर हमला भी करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लेकिन रोहित कहता है कि विजय कुमार को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना ही होगा। रोहित अब रातों रात फेमस हो जाता है। वहीं इन सब बातों से विजय कुमार को गुस्सा आ जाता है। ये कल तक जो मामूली इंसान था आज टीवी पर आ रहा है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला। अगले दिन कुछ लोग रोहित के घर पर हमला कर देते हैं और इसी सब में अमन के सर पर चोट लग जाती है। रोहित अमन को लेकर अस्पताल जाता है। अस्पताल के अंदर भी लोग उसकी ही बात कर रहे होते हैं। कोई आदमी कहता है, पता नहीं लोगों को टीवी पर आने का कितना ही शौक है, अपने बेटे तक की जान की फिक्र नहीं है लोगों को। हाँ भैया, ठीक कहते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस बेटे की जान से बड़ी चीज हो गई। अब रोहित समझ गया कि अगर उसने ड्राइविंग लाइसेंस के डॉक्यूमेंट ओके करके विजय को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया तो ऐसे ही उसके परिवार पर हमले होते रहेंगे। इसी डर से रोहित ड्राइविंग लाइसेंस विजय कुमार के ऑफिस भेज देता है। वहीं जब विजय कुमार ड्राइविंग लाइसेंस देखता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन टीवी पर अमन के ऊपर हुए हमले का सुनकर दुखी होता है और ड्राइविंग लाइसेंस डस्टबिन में फेंक कर पहले हॉस्पिटल जाता है और अमन से मिलता है। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, एक हीरो एक बाप के आगे हार गया। रोहित मुझे माफ करना, मैं ये सब नहीं जानता था और ना ही ये सब चाहता था। मैं खुद आकर ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दूंगा। क्या मैं एक सेल्फी ले सकता हूँ तुम सबके साथ? सभी लोग खुश हो जाते हैं और विजय कुमार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देता है और रोहित के घर जाकर डिनर भी करता है। अब सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।